एवरीवन, वेलकम टू तस्नीम इंडियन जायका। आज मैं बनाने जा रही हूँ कस्टर्ड फालूदा डेजर्ट रेसिपी। ये बहुत मज़ेदार है फ्रेंड्स, आप भी अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें। ईद पे दावतों में बना के इसे सर्व करें। बहुत मज़ेदार रेसिपी है फ्रेंड्स। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 2.5 लीटर मिल्क गर्म होने के लिए रखा हुआ है। ये देखिए, दूध में उबाला आ चुका है, मिल्क बॉईल हो रहा है। चलिए अब हम इसमें भुने हुए सेवैया ऐड कर लेते हैं, रोस्टेड सेवैया। चलिए इसे मिक्स करके इसे कुक होने देते हैं सेवैयों को। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ बाउल में दूध दिया हुआ है हाफ बाउल जितना। मैंने इसमें बादाम को कूट के ऐड किया है एक स्पून जितना। अब यहाँ पर हम कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे, 2 स्पून 3 स्पून 4 स्पून कस्टर्ड। चलिए इसे अच्छे से दूध के साथ मिक्स कर लेते हैं। ये देखें, मैंने अच्छे से कस्टर्ड को दूध के साथ मिक्स कर लिया है 4 स्पून कस्टर्ड ऐड करके। ये देखें, कस्टर्ड के घोल को हम सेवैयों में मिक्स करके कुक कर लेते हैं कस्टर्ड और बादाम के घोल को। चलिए इसे 5 मिनट्स के लिए कुक कर लें। अब हम यहाँ पे शुगर ऐड कर लेते हैं, चीनी। मैं अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ पे चीनी ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी को ऐड कर लें। मैंने यहाँ पे 2.5 कप चीनी ऐड की है। देख लें आप अपनी पसंद से, जितना आप मीठा पसंद करते हो कम या ज्यादा कर ले। चलिए इसे मिक्स करते हुए कुक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे तुकमलंगा को भिगो के रखा हुआ था, यानी सब्जे के बीज को। चलिए इसे भी हम इसमें डाल देते हैं, ऐड कर लेते हैं। क्योंकि कस्टर्ड फालूदा डेजर्ट है तो सब्जे के बीज तो जाएंगे इसमें। भिगो कर इस तरह ऐड कर लें और मिक्स करते हुए इसे कुक कर लें। ये देखिए फ्रेंड्स, डेजर्ट में डेजर्ट बॉईल हो रहा है, मीठा बॉईल हो रहा है। चलिए अब हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, दूसरी ओर मैंने यहाँ कढ़ाई रखी हुई है, कढ़ाई में हम घी ऐड कर लेते हैं। मैंने घी गरम होने के बाद यहाँ पर 2 दालचीनी के टुकड़े, 4 हरी वाली इलायची और बादाम काजू ऐड कर दिया है। आप अपनी पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। चलिए ड्राई फ्रूट्स को हम फ्राई कर लेते हैं घी में, गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ करके किशमिश ऐड कर देंगे। चलिए इसे भी थोड़ा चला लें सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ। फ्लेम ऑफ कर दें फ्रेंड्स। चलिए ये हो गया। चलिए अब हम जो कस्टर्ड और फालूदे का डेजर्ट बनाया हुआ है इसमें हम ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितना लजीज और मज़ेदार और कम वक्त में बन के तैयार होने वाला डेजर्ट है ये। चलिए इसे मिक्स कर लें और ठंडा करके सर्व करें फ्रेंड्स। बहुत मज़ेदार कस्टर्ड फालूदा बन के तैयार हो चुका है, आप भी अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें इस डेजर्ट को। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।